दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बिल्ली दूध पी नहीं पाती तो उसे लुढ़का देती है। यही काम इन दिनों भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 दिन हो चुके हैं, अपने सीएम चेहरे और उसके नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बगावत की हालात पैदा हो गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने बहुमत पाकर मात्र 48 घंटे के अंदर अब ना आपने केवल सीएम के चेहरे को सबके सामने रख दिया बल्कि सरकार भी बना ली, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भी फाइनल हो गया, शपथ भी हो गई। इसके बाद बीजेपी ने वहां पर एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया, एक ऐसा बखेड़ा जिसको सुनने के बाद आप लानते ही भेजेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब इनकी पार्टी के नेता गंदगी फैलाने का काम करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गंदगी फैलाते हैं, तो ये कुछ नहीं कहते, उन्हें साधु, उन्हें संत, उन्हें महात्मा बताते हैं। लेकिन जब वहीं से ऐसा ही जवाब मिल जाता है तो उसके खिलाफ गंदगी उगलने के अलावा कुछ काम नहीं करते। यही काम तेलंगाना के अंदर किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। तेलंगाना में आपको मालूम ही है बीआरएस की सरकार थी, हट गए, तेलंगाना में आ गई कांग्रेस पार्टी। बचे कुछ ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुन लिए गए। अब इनके पेट में मरोड़ ये हो रही है कि ये बगावत ना राजस्थान में संभाल पा रहे, जिस बगावत की चिंगारी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचने लगी है उसे भी नहीं बुझा पा रहे। ऐसे में इन्होंने तेलंगाना में नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। बखेड़ा ये कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे तेलंगाना में, वजह जानकर आप भी उछल पड़ेंगे और खुद ही इन्हें लानते भेजेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि तेलंगाना में नई सरकार का गठन हो चुका है, मुख्यमंत्री वहां का मिल चुका है और इन सबके बीच क्या किया गया, प्रोटेम स्पीकर का नाम भी ऐलान कर दिया गया। ये प्रोटेम स्पीकर है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ही प्रोटेम स्पीकर बने इनके पेट में मरोड़ उठने लगी, ये तरह तरह के आरोप लगाने लगे। उनका ऐतिहासिक इतिहास नहीं देखा कि वो इतिहास उनका राजनीतिक तौर पर कितना सशक्त है, लेकिन हाँ इनकी पार्टी के लोग, इनकी पार्टी के नेता, इनकी पार्टी की चीजें सारी की सारी ऐतिहासिक होती हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये चुने हुए विधायक के बारे में अंट शंट बयान देने पर उतरा है। सबसे पहले आप इनको देख लीजिए, ये है टी राजा सिंह। खुद अभद्र टिप्पणियां करना, विवादित टिप्पणियां करना, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमानों के बारे में गंदगी फैलाना, ये काम कर चुके हैं और यही एक वजह है जिसकी वजह से इनकी खुद की पार्टी ने मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए इनको अपनी पार्टी से निकाला था। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए थे याद आने लगी थी कि टी राजा सिंह जैसे नेता ही तो है जो बीजेपी की नींव को बहुत मजबूती देने का काम करते हैं। तो पहले टी राजा सिंह को सुन लीजिए। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही MIM के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था, वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या BRS के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? BRS ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी BRS की तो उनकी कार की स्टेयरिंग MIM के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड हो वहां पर इनका कब्जा है, आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना, ये बार बार ये कह रहा था कि BRS एक है, MIM एक है और BJP एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और MIM का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक है, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, MIM के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती कहो हो। लेकिन एक बात याद रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने
शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। तो टी राजा सिंह बता रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर ओवैसी के सामने खड़े होकर शपथ नहीं लेंगे। इनका जानते हैं तर्क क्या है? इनका तर्क है कि एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जिन्होंने कहा था कि 5 मिनट दे दीजिए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, आप खुद ऐसा बयान देते हो, ये तो प्रोटेम स्पीकर का अपमान नहीं हुआ? आप जैसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया अपने आप को विधायक मानता है, वो व्यक्ति आप अपने बयान कभी सुने हैं? कितने गंदे भरे होते हैं, कितनी गंदगी भरी होती है, लिजलेजे होते हैं, चिड़न पैदा करने वाले होते हैं। उन बयानों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपके बारे में कभी ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको भी जनता ने चुना है, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जनता ने चुना है, और वो जनता कहीं बाहर से नहीं आई थी, इसी देश की जनता थी, उन्होंने ही चुना है, इसी आधार पर प्रोटेम स्पीकर बने। यानी वो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा तो हो सकते हैं लेकिन एक विधायक के तौर पर, लेकिन अगर वो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगेगी, ये बताने लगेंगे कि हमारे अंदर का हिंदू जाग गया है। अगर ऐसा ही है तो जरा ये बताइए कि मदरसे 800 मदरसे बंद कर दिए, मदरसे इसलिए नहीं जारी रखे जाएंगे क्योंकि वहां पर मुल्ले बनाए जाते हैं, ये बयान कौन दे रहा था? कौन दे रहा था जब टमाटर आसमान, उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी, तब बताया जा रहा था ये मियां लोग हैं जिनकी वजह से टमाटर के दाम बढ़ रहे थे, ये आपकी पार्टी का ही एक बड़ा चेहरा और तो और मुख्यमंत्री है। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो संविधान की बार बार धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसकी शपथ लेते हैं उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर किसी के बारे में गंदगी और नफरत फैलाई जाएगी, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर हेमंत बिस्व शर्मा लगातार यही काम कर रहे थे। तब आपको शर्म नहीं आ रही थी, तब आप नहीं कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति नहीं, लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं कहा। मुसलमानों ने कहा कि हां, हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, या जितने भी नेता है जो मुसलमानों के बारे में गंदगी फैलाते हैं, उन्हें जनता ने चुना है, हम संविधान का अपमान नहीं होने देंगे। इसीलिए जब जब ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, प्रोटेम स्पीकर बनाया, उनके सामने खड़े होकर मुसलमानों ने शपथ ली है। लेकिन इन्हें दिक्कत किस बात से है वो बात समझ लीजिए। पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, लिखा भी है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक, मास नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्वीट किया है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक। इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं, प्रोटेम स्पीकर के लिए चुने गए थे, उसके बाद टी राजा सिंह का मैंने बयान आपको सुना दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि विवादित बयान क्या होता है, घिनौना बयान क्या होता है, या बयान सिर्फ वही होता है कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति कोई खड़े होकर ऐसी भाषा शैली बोल जाए जो विवादित हो, वो बयान विवादित हो जाता है, वो घृणा पैदा करने वाला हो जाता है, उस आदमी की इज्जत आप नहीं करेंगे। और जानते हैं जिन लोगों ने टी राजा सिंह का ये ट्वीट किया है, जो वीडियो भेजा है ना, इसे ट्वीट करते हुए पांच जन ने, फिर नाम सुन लिए, पांच जन ने, जानते हैं किसका है? ये आरएसएस का, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मुखपत्र है, उसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। लिखा क्या है पढ़ लीजिए, आदमी क्या कह रहा है। टी राजा सिंह इनका बयान कोट करते हुए लिखा है, कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी, इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुने हुए 6 बार का विधायक है, एक दो बार के नहीं है, 6 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक के बारे में ये गंदी बात बोलते हैं आदमी। आरएसएस का मुखपत्र वही चीज लिखता है, ऐसे आदमी का बयान बढ़ाता है जो नफरत पैदा कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है चुने हुए नेता के लिए, और आपकी पार्टी के बड़े नेता जो अपने आप को हाकिम बता रहे हैं मुल्क का, वो क्या कहते हैं? कांग्रेस, तमाम दल उनको गालियां देते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है, इज्जत वाली बात की है। बात में ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या बयान दिया, ना मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा तो समर्थन ऐसों का भी नहीं करूंगा, ऐसे लोग जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अगर उन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला तो तुम कितनों को छोड़ देते हो, कितने मुसलमानों के बारे में गंदगी फैलाने का काम किया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, विधायक होते हुए, और पांच जन ने लिख भी दिया। जब तक ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहेगा, बीजेपी का कोई विधायक शपथ नहीं लेगा, टी राजा सिंह का बड़ा ऐलान। इससे तो थर थर कांप गए, संविधान हिल गया, पूरा देश हिल गया। अरे ये क्या होगा, तेलंगाना में बीजेपी के विधायक, मुट्ठी भर विधायक अगर शपथ नहीं लेंगे, अरे मत लीजिए शपथ, मत लीजिए, नहीं लेंगे तो कम से कम विधानसभा सुचारू रूप से चल पाएगी, वह गंदगी नहीं फैल पाएगी, क्योंकि सड़क पर उतरकर गंदगी फैलाने का काम अगर आप आरोप लगाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया, तो वही काम डंके की चोट पर तुम करते रहे हो, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के करते रहे, घूम घूम कर करते रहे, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैलाना एक आप लोगों का काम रहा है, और उसके बाद कहते नहीं लेंगे शपथ, एहसान कर रहे हो। अरे पहले जाओ राजस्थान संभाल लो, जाओ मध्य प्रदेश संभाल लो, इन दो राज्यों में बगावत संभाल लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी,
मुसलमान होने के नाते अपना एजेंडा सेट करने के अलावा काम नहीं है आप लोगों का। तेलंगाना के अंदर अगर ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उनका राजनीतिक इतिहास भी देखना चाहिए, उसके आधार पर विरोध करना चाहिए। लेकिन इनका काम क्या है, ना केवल मुसलमानों से चिढ़न है, उनसे नफरत है। नमस्कार।